पुत्र तू तो कमाल ही काम किया, इतने सारे गुलाब जामुन खा के जीत गया। अब आपको पता है हमेशा की तरह आदि आज फिर गुलाब जामुन कॉम्पिटिशन में जीत गया। ओ पुत्र कितने खाए तूने? बस दादू हाफ सेंचुरी मार दी। एक ऑल टाइम ऑलवेज द विनर। युग आओ संभालो इसे। अरे लो बेटा संभालो इसे। अरे डर क्यों रहे हो, तुम्हारा बेटा है ये आदि का। वो एक्चुअली मिहिका चली गई थी, पता नहीं कहाँ थी, और ये रोते रोते उठा तो मैंने सोचा अब तुम्हारे हाथ में दे दूँ। तुम्हारे हाथ में तो चुप हो ही जाना चाहिए इसे, है ना युग? आई मीन आदि। ईश्वर तुम क्या कर रही हो? आज रमन ने एक बात याद दिलाई, उन्होंने कहा कि आदि उनका बेटा था तो युग में उनको अपना बेटा नजर आता है, बाप और बेटे का कनेक्शन। तो मैंने सोचा आज हम एक ही बाप बेटे का कनेक्शन देख लेते हैं, अगर युग के अंदर कोई फीलिंग्स होंगी अपने बेटे के लिए तो उसे चेहरे पे नजर आ जाएंगी, जो कि होने नहीं वाला है, और उसका भांडा फूट जाएगा। युग तो बहुत ही टेढ़ा इंसान है, ये तो सारे पैंतरे आजमा रहा है ये साबित करने के लिए कि वो आदि है। मैंने सोचा था कि मामला बहुत सिंपल होगा, लेकिन नहीं, ये इंसान तो बहुत खतरनाक है हम सबके लिए। हाँ ईशु तुम सही कह रही हो, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने छोटी आदि को चुप कैसे कराया। तुमने नोटिस किया युग की उंगली बेबी के मुंह के अंदर थी, उसने गुलाब जामुन खाने के बाद हाथ नहीं धोया होगा, चाशनी लगी रही होगी और बेबी ने वही टेस्ट किया और वो चुप हो गया। इश्मा भी कन्विंस्ड है कि ये आदमी आदि भाई नहीं है, मुझे इस आदमी को एक्सपोज करने में उनकी हेल्प करनी होगी। क्या करूं मैं, मुझे इस काम के लिए किसी लॉयल बंदे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कौन? वीर को कॉल करती हूँ। अबे यार तो सॉलिड लेट हो गया मैं, इसका फोन आ गया ये। शिट, वही मैम का कॉल। बेटा अब तो गया तू। गुड मॉर्निंग मैम। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें एक्टिंग करनी होगी किसी को नुकसान पहुंचाने की। क्या नुकसान पहुंचाना? कि मैम किसको? और ये काम आप मुझे क्यों बोल रहे हो मैम? लिसन लिसन लिसन, इतने सवाल मत करो, जितना कह रही हो उतना करो, just treat it like an assignment, okay? And अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे बताओ, I'll have to fire you. नहीं नहीं मैम, प्लीज फायर मत करना, मैं करूंगा ना, मैं सब करूंगा। बोलिए मैम क्या करना होगा? ओके रणवीर, लिसन टू मी केयरफुली, ओके? देखो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इट्स टोटली हार्मलेस थिंग, तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होने वाला, तो प्लीज उसके बारे में सोचना भी मत, ओके? ओके मैम, लेकिन उसको हार्म करना होगा? एक बेबी को। Listen to me, Ranbir. हम एक बेबी को चेकअप के लिए ले जा रहे होंगे, तुम्हें बस वहाँ आना है, एक्टिंग करनी है कि तुम बेबी को हार्म पहुँचाना चाहते हो, ओके? बेबी को? मतलब छोटे से बच्चे को? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? Ranbir, please. मैंने कहा ना मुझे सवाल मत पूछो, जितना कहा जाए उतना करो। I told you to treat it like an assignment. मैं तुम्हें जगह और टाइम मैसेज कर दूंगी, वहाँ पहुँच जाना, ओके? बाय। और हे बाबा जी, सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं कैसे करूंगा बच्चे को?
जस्ट होप ये रणबीर काम ढंग से कर ले एंड आई होप दिस प्लान वर्क्स आउट। रणबीर जब उस बेबी को अटैक करने आएगा तब वो आदमी आके बेबी को बचाएगा ही नहीं, क्योंकि ये बच्चा उस आदमी का है ही नहीं। और इससे प्रूव हो जाएगा कि ये आदमी आदि भैया नहीं है और ये कोई और ही है। ये बात हम सब जानते हैं कि आदि भैया इस दुनिया में नहीं रहे, ये कोई और ही आदमी है जो मेरी फैमिली के इमोशंस के साथ खेलने आए। मैं ऐशमा की हेल्प करूंगी इस आदमी को एक्सपोज करने में। रूही मैडम तो बड़े प्लान्स बना रही है, कोई बात नहीं, अब मैं अलर्ट हो जाऊंगा और ऐसा कुछ करूंगा कि सबको बिलीव हो जाए कि ये युग नहीं आदि है। सो क्यूट ना आदि, तुम्हारे साथ कितना घुल गए और कितनी हंसी आ रही, कितनी क्यूटली खेल रहा है। गिर गया, गिर गया। मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। मैंने कहा ना आपसे सारी की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए भाई। समझे आप? वो टाइमिंग ब्रो, ये खुद ही देख लेगा यहाँ क्या हो रहा है। क्यों टॉर्चर कर रहा है अपने आप को? इनफैक्ट मैं तभी तुझे कॉल कर रहा था ताकि तुझे आने से रोक सकूं। मैं तो यहाँ रूही से ऑफिस के काम से मिलने आया, तब देखा कि भाभी इस आदमी के साथ बैठी हुई है। आई नो हाउ मच दिस विल हर्ट यू, इसलिए मैं चाहता था कि तू खुद ही तू ना देखे कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। भाई मेरी अभी हम थक गए हैं, हम नीनी करेंगे, चलो नीनी करेंगे और दूध भी पिएंगे। अलिया, मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ तो फोन क्यों नहीं उठा रही? रोहन आई एम सॉरी, वो फोन अंदर रूम में पड़ा है, वो आदि के साथ खेल रहे थे पता नहीं चला, रियली सॉरी। अलिया तुम क्यों इसे सॉरी बोल रही हो? और तुम्हें किसने हक दिया आलिया से ऐसे बात करने का? तुमने देखा नहीं हम बिजी हैं? हाँ तुम जा सकते हो यहाँ से। और तुम कौन हो तो मुझे बताने वाले? मैं आलिया का पति, मेरा जब मन करेगा मैं उसे फोन करूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं उससे मिलने आऊंगा, समझे तुम? तो तुम भी एक बात समझ लो कि तुम आलिया के पति थे, इनफैक्ट थे भी नहीं, क्योंकि आलिया का पति यानी कि मैं अभी जिंदा हूं और इस हिसाब से तुम्हारी जो शादी है वो वैलिड नहीं है। और वैसे भी आलिया ने कहा है ना कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सो प्लीज दरवाजा वहां है, जा सकते हो तुम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।